ਬਸ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ? देखिए जी, हमने हाई कोर्ट में जो PIL फाइल की थी, हमारा जो कंसर्न था वो था जो अंबाला भुखमरी की किरदार पर चला गया था, और शंभू बॉर्डर जो अंबाला का लाइफ लाइन है, वहाँ से कम 50 जो गांव ऐसे हैं जो शंभू बॉर्डर से लोग अंबाला आते हैं व्यापार के लिए, काम अपना काम कपड़े खरीदने के लिए और 10 चीज़ें होती हैं, तो उसको लेके सब बंद था, ठप था सब। और उसको लेके हमने PIL फाइल की थी व्यापारियों भाइयों के लिए, कपड़ा व्यापारियों के लिए, सराफा व्यापारियों के लिए, गरीबों के लिए, रेहड़ी फड़ी वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए रास्ता खोला जाए ताकि ये हमारी जो व्यापार है चलता रहे, उनको वे मिल जाए। तो उसको लेके हमने आज 3 मांगें की थी, एक तो जनरल पब्लिक के रास्ता खोला जाए, एक खनौरी बॉर्डर को खोला जाए, तीसरी मांग हमने की थी कि इसमें सरकार का जो खर्चा बढ़ रहा है, राजस्व का खर्चा बढ़ रहा है, उसको रोका जाए। और आज हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसको क्लैरिफाई किया है बॉर्डर को कि ये सबके लिए खोला गया, फार्मर्स के लिए नहीं खोला गया, बल्कि सबके लिए ये बॉर्डर खोला गया। और दूसरी हमने इसमें हाई कोर्ट ने खनौरी की जो मांग की, तो हाई कोर्ट ने कहा एक बार शंभू खुल जाए, उसके बाद हम खनौरी को खुलवाने के लिए भी सरकार से पूछेंगे। और तीसरी चीज़ इसके अंदर हमने हाई कोर्ट को कहा कि गाइडलाइंस फ्रेम की जाए कि जब कोई भी NH हाईवे बंद कर देता है, आके नेशनल हाईवे बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 19 में, तो क्यों बंद करता है? तो हमने कहा हाई कोर्ट एक गाइडलाइन फ्रेम करे, अगर कुछ ऐसा होता है तो एकदम उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर किसी ने अपनी मांग रखनी है जायज़ मांग, दिल्ली जाए सरकार, कोई हरियाणा से जाए तो हरियाणा के CM के निवास के पर बैठे, कोई पंजाब के CM से मांगा तो पंजाब के CM निवास के पर जाए, पर किसी हाईवे को बंद कर किसी चीज़ का रास्ता नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हमने हाईकोर्ट को मांग की गाइडलाइंस बनाए जाएँ। और चौथा, हाईकोर्ट ने हमें इसमें कहा है कि हम 7 अगस्त को इसकी दोबारा सुनवाई करेंगे और जो तमाम मेरे द्वारा मुद्दे उठाए गए उस पर बातचीत करेंगे। और फिलहाल जो मैंने हाईकोर्ट को भी बताया कि क्योंकि सरकारी वकील ने कहीं ना कहीं कहा है कि बॉर्डर खुल चुका है, पर बॉर्डर नहीं खुला, आज तीसरा दिन है बॉर्डर नहीं खुला। और मुझे सुनने में यह भी आ रहा है कि हरियाणा सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर रही है, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो मैं वहाँ पर भी इसके खिलाफ ऑर्डर हरियाणा सरकार के खिलाफ करूँगा। इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जनरल पब्लिक का नुकसान होता है। 5 महीने से भुखमरी के कगार पर है अंबाला के लोग, पहले कोरोना की मार से ही लोगों ने, फिर बाढ़ की से ही लोगों ने, अब 5 महीने से बॉर्डर बंद है। अंबाला में लोगों के पास, व्यापारियों के पास अपने तनख्वाह देने के पैसे नहीं है जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, तो अंबाला कैसे चलेगा, कैसे अपना जो स्टॉक आगे बढ़ेगा हमारा व्यापार। तो आज भारत सरकार ते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे जेड़े एडवोकेट जनरल भी इतने मौजूद सीगे, वहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया से सत्यपाल जैन जी और हरियाणा पंजाब की जो डबल एजेस हैं वो भी उसमें केस में थे। और हमने हाईकोर्ट को कहा कि 7 अगस्त को इन तमाम चीज़ों पर सुनवाई की जाए, क्योंकि जो पहले इससे पिटीशन डली थी वो कहीं ना कहीं किसानों की मांग को लेकर थी कि किसानों को जगह दी जाए जाने के लिए। हाईकोर्ट ने उसमें फैसला दिया, शंभू बॉर्डर खोल दिया, किसानों के लिए अच्छी खबर है, मैं किसानों को इस बात की बधाई भी देता हूं, उनको दिल्ली जाना चाहिए, रास्ता उनको देना चाहिए। पर जो मेरी मांग थी कि जो अंबाला का व्यापार चौपटा गया था, जो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो आपका NH 44 है, जो जिसे लाइफलाइन बोला जाता है, वो बंद था, और चंडीगढ़ हाईवे पे जो ट्रैफिक की समस्या थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मैं आज आपको कल की वीडियो दिखाऊंगा न्यूज़ 18 को कि किस प्रकार से लोग जा रहे थे। आप ये काफ़ी ज़्यादा जो ये देखिए, आप दर्शकों को दिखाऊंगा, ये ऐसे लोग जा रहे थे इसमें, ये देखिए किस तरह से, अगर मौत के मुंह से जा रहे थे लोग, ये मैंने हाईकोर्ट को आज दिखाया कि कैसे कहां ये शंभू राजगढ़ का है, राजगढ़ की अंबाला के पास राजगढ़ गाँव लगता है, किसी को वे नहीं मिल रहा तो इस वे से। और ये देखिए पानी चल रहा है, कोई भी मौत की यहाँ पे मर के कोई भी डूब सकता है, यहाँ पे कुछ भी कैजुअलिटी हो सकती है। तो इसको हमने सब चीजों को दिखाया, और अगर 4 दिन बाद ये हरियाणा सरकार ने रास्ता ना खोला तो हम इस PIL के अंदर ही प्रीपोनमेंट एप्लीकेशन लगा के हाईकोर्ट को अगले जो बुधवार तक इस मामले की जानकारी दोबारा देंगे, और हरियाणा सरकार को कहेंगे कि एफिडेविट देके हरियाणा सरकार यहाँ पे कहे कि हम शंभू बॉर्डर जल्द से जल्द खोल रहे हैं, क्योंकि सरकार को इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा अंबाला का व्यापारी, देश का व्यापारी, दिल्ली का व्यापारी, जो जम्मू कश्मीर तक समझ जाते सब अस्त व्यस्त हैं, जीरो हो चुकी है इकोनॉमी, अंबाला की तो खासकर हो चुकी है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि किसानों को जाने दिया जाए और किसानों को वहां जगह दी जाए। और किसानों का मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है, शिवराज सिंह चौहान जिनका लंबा तजुर्बा रहा है किसानों के मसले में, उनसे बात की जाए। और आप किसानों, वे वासु शंडले आपका दास सुप्रीम कोर्ट तक आपके लड़ने को तैयार है, तमाम वकीलों की एकता आपके साथ है, पर NH 44 किसी की मांग को अपनी मनवाना, किसी को परेशान कर न्याय संगत नहीं है।